नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के लिए सहायक शिक्षकों की भर्ती का विवाद गर्म है। शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी के बाद कई शहरों में हंगामा जारी है, तो इस विवाद में अब तक क्या हुआ है सबसे पहले आपको बताते हैं। 68,500 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में धांधली के आरोप लगे हैं। यह पूरा मामला आपको समझा दें, गड़बड़ी के बाद मुख्य परीक्षा नियंत्रक सुत्ता सिंह सस्पेंड कर दिए गए। आईए संजय बी रेड्डी को जांच का काम सौंपा गया है और गड़बड़ी के आरोप पर कई शहरों में हंगामा हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट आने के बाद गड़बड़ी के आरोप लगे, कई शहरों में तो हंगामा हुआ। योगी सरकार ने कल रात बड़ी कार्रवाई भी की, परीक्षा नियामक अधिकारी सुत्ता सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन देखिए, गुस्सा अभी भी लोगों में। सीनियर आईएएस अधिकारी संजय बी रेड्डी को गड़बड़ी की जांच का काम सौंपा गया है। आपको बता दें कि कल दोपहर जबरदस्त प्रदर्शन लखनऊ में लोगों ने किया और उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने गोमती नदी में छलांग लगा दी थी। उधर इलाहाबाद में भी छात्रों ने एग्जामिनेशन अथॉरिटी के दफ्तर पर हंगामा किया। इन छात्रों का इल्जाम यह है कि गड़बड़ी की शिकायत के बाद अथॉरिटी में कई कॉपियां जला दी गईं। सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। लखनऊ की बात की जाए तो यहां तो कई प्रदर्शनकारियों ने गोमती नदी में छलांग लगा दी। उसके बाद पुलिस ने शिक्षक उम्मीदवार जो वहां पर जमा हुए थे प्रदर्शन करने लिए, उन पर जमकर बेरहमी दिखाई है। प्रदर्शनकारियों ने लखनऊ के निशांतगंज में शिक्षा विभाग के कार्यालय पर धरना दिया। इन पर पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। कुछ उम्मीदवारों ने तो गोमती नदी में छलांग लगा दी थी। आपके सामने जो तस्वीर है देखिए जरा, लोगों को अपनी जान की परवाह तक नहीं, किस तरीके से वो परेशान है इस पूरे मामले से। अपने दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश में 68,500 प्राइमरी टीचर्स के लिए इस साल 27 मई को परीक्षा हुई थी। 13 अगस्त को इसका रिजल्ट आने के बाद से यह हंगामा जारी है। परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों का कहना है कि इसमें जमकर धांधली हुई है। रात को 2 बजे एकदम हम पे डंडा लेके टूट पड़े। हम सब यहाँ पे लेटे हुए थे, शांति से बैठे हुए थे, हम पे इस तरह से लाठियां बरसाई हैं जैसे जाने हम लोग कौन है। लड़कियों को लड़कियां नहीं समझा, जेंट्स पुलिस आके हम लोग को खींच रही है, हाथ पकड़ते हुए गेट तक खींच के ले गई, लिटाते हुए घसीटते हुए लेके गई, 2 लोगों के पैर फ्रैक्चर कर दिए, बाकी 3 लोग वहाँ बेहोश पड़े हुए हैं। ना एम्बुलेंस आ रही है ना कुछ आ रहा है। रात को 2:30 बजे आके पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। पहले आके कह रहे थे ठीक है बैठे रहो हम तुम्हारे साथ हैं, अभी बोल रहे हैं भैया हम कौन है। हमारी मांग बस इतनी है कि जो बची हुई 27,000 सीटें हैं 30-33 के कट ऑफ के हिसाब से उसे पूरी करिए। 30-33 की बात आप ही ने रखी थी, इसे हम अपने स्तर से नहीं उठा रहे। आप ही ने कहा था कि 30-33 में हम लोग पास करेंगे, हम 30-33 के हिसाब से पास हैं, तो हमें पास करिए। बहुत खराब लगा है। अब ये सिर्फ मैं महसूस कर रही हूँ कि मुझे 0 नंबर मिला है और 1 नंबर का भी मेरे को हक नहीं है यहाँ आवाज उठाने का। लोग बोल रहे हैं कि आप जाइए, यहाँ मिलिए वहाँ मिलिए, और हम लोग कई दिनों से यहाँ चक्कर काट रहे हैं। 0 नंबर मुझे मिला हुआ है, क्या किसी को 0 नंबर मिल सकता है? किसी को 0 नंबर मेरे पास कागज भी है, टेट पास पर। मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ लगातार चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन यहाँ नियामक प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी ना कोई कर्मचारी सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये इस भर्ती प्रक्रिया को, पारदर्शिता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और
कई लोगों का भविष्य को बिल्कुल अंधकार में धकेल दिया है। परीक्षा में बहुत धांधली हुई है और उसके तहत हम सब लोग यहाँ आए कि हमारी कॉपी हम लोगों को प्रदान कर दी जाए ताकि हम लोग संतुष्टि करें। और इन लोगों ने बहुत धांधली की है, इसमें हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच करो और उसके बाद संशोधित रिजल्ट आप जारी करो ताकि जिन व्यक्तियों के साथ जो हुआ है वो सब गरीब बच्चों के साथ भी हुआ है। सभी लोग नौकरी पाना चाहते हैं लेकिन यहाँ इन लोगों ने अपने रुपयों के खेल के लिए सबका भविष्य अंधकार में ढकेल दिया गया है। तो सीबीआई जांच तक की मांग की जा रही है। आपने देखा किस तरीके का गुस्सा आक्रोश नजर आ रहा है इन अभ्यर्थियों में। बड़ी संख्या में ये प्रदर्शन करने भी पहुंचे थे, हालांकि कुछ जगहों से यह भी जानकारी सामने आई कि पुलिस ने इनके साथ सख्ती की है, लाठीचार्ज किया गया और ऐसे में गुस्सा और ज्यादा इनका बढ़ता चला गया। इनका यही कहना कि पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो भर्ती प्रक्रिया में। और कुछ अभ्यर्थी तो अब यह भी मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। और इस बीच हमारे साथ एबीपी न्यूज के लखनऊ ब्यूरो के संपादक पंकज झा जुड़ चुके हैं। पंकज, ये मामला तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत आक्रोश देख रहे हैं अभ्यर्थियों में, कुछ लोगों ने गोमती में छलांग तक लगा दी। देखिए, बात सही है, कहां तो सरकार को वाहवाही मिलनी चाहिए थी कि उन्होंने शिक्षक की भर्ती की है, लेकिन जो अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत और गड़बड़ी की वजह से हालात बहुत खराब हो गए हैं। शुरुआत से पहले ही 68,500 की भर्ती निकली, उसी वक्त में आरक्षण का फॉर्मूला लग जाना चाहिए था। जब रिजल्ट निकला उसके बाद आरक्षण का फॉर्मूला लगा और फिर 6,000 टीचर जो है वो बाहर कर दिए। बवाल हुआ तो फिर 6,000 टीचरों को भी नौकरी दे दी गई। अब जो नई जानकारियां आ रही है वो तो बड़ी हैरान करने वाली है कि जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दी उनको टीचर की नौकरी मिल गई, उनको जिले भी अलॉट हो गए, वहां उनका भेज भी दिया गया। जब इस बात का खुलासा हुआ उसके बाद उनको वहां ज्वाइन करने से उन टीचरों को रोका गया है। जिन बच्चे ने परीक्षा नहीं दी उसे नंबर मिल गए हैं, जिन्होंने परीक्षा दी जिनकी कॉपी में नंबर है उन्हें जीरो मिल गया है। कल वहां पे इलाहाबाद में जो बेसिक शिक्षा परिषद का दफ्तर है वहां पर कुछ कॉपी जलाने की भी, आंसर शीट जलाने की भी बात कही जा रही है। तो इसमें हर पैमाने पर इतनी गड़बड़ियां हुई है कि आप सोच नहीं सकते हैं, और इसीलिए इसमें कार्रवाई भी हुई है। लेकिन अब भी ये होता रहा, बेसिक शिक्षा विभाग में इस तरह कई गड़बड़ियां हुई है, एक के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी को लेकर परेशान है वाकई उनकी परेशानी बहुत लंबी है, क्योंकि बीएड कर चुके हैं और टेट की परीक्षा भी पास कर चुके हैं ये लोग। बिल्कुल पंकज, और सवाल दरअसल अब ये भी है कि एक तरफ तो सरकार, यूपी सरकार लगातार नौजवानों को रोजगार देने की बात कह रही है, फिर इस मामले में इस तरह की अव्यवस्था क्यों नजर आ रही है, सरकार तरीके से हैंडल क्यों नहीं कर पा रही है, क्या इस पर किसी तरह का कोई जवाब मिला है आपको? अखिलेश, ये कहा जा रहा है, हर बार यही होता है कि कल जैसे जांच कमेटी बैठाई गई, जो प्रमुख सचिव गन्ना है संजय भूस रेड्डी, उनकी अगुवाई में तीन सदस्यों की जांच कमेटी बना दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग है अखिलेश, जो प्राइमरी स्कूल चलाते हैं यूपी में, पंकज आपको बीच में रोकना चाहूंगा, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं श्रीकांत शर्मा क्या कह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता हैं और मंत्री हैं। इसमें कमेटी भी बनाती है, लेकिन जब आपकी बात करते हैं कि हमें साफ तरीके से भर्ती कर रहे हैं, पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हैं आप, पिछली सरकारों में धांधली हुई, तो सियासी आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं कि आप भी वही कर रहे हैं जो पिछली सरकारों में हुआ है? देखिए, ये जो विपक्ष का आरोप है ये बिल्कुल निराधार है। पूर्व में घपले होते थे, साजिशें होती थी, गलत भर्तियां होती थी और सरकार उनको प्रोटेक्ट करती थी जो भर्ती करने वाले हैं। हर गलत काम करने वाले को पूर्व की सरकारें कहीं ना कहीं संरक्षण देती थी, लेकिन भाजपा सरकार में संरक्षण नहीं है किसी को। इसमें जो लोग दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और एक कमेटी का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, 3 सदस्यीय कमेटी है, वो इसमें जांच कर रही है और 7 दिन के अंदर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना, श्रीकांत शर्मा को बिजली मंत्री भी हैं और उसके साथ आपको बता दें कि यूपी सरकार के चुकी वो प्रवक्ता भी हैं, इस हैसियत से अपनी बात रख रहे थे। उनका यह कहना कि सरकार का किसी को संरक्षण नहीं, लेकिन इस तरह की अराजक स्थिति क्यों नजर आ रही है? आपको बता दें ये पूरा विवाद है क्या, टीचर्स भर्ती की परीक्षा हुई थी, करीब 68,500 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती होनी थी और ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया, 27 मई 2018 को परीक्षा हुई, 13 अगस्त को रिजल्ट आया, उसके बाद क्या हुआ वो आपको बताते हैं। पहले 41,556 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया, यानी इनका चयन हो गया ऐसा बताया गया, बाद में 6,009 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। और यही नहीं, 34,660 को ही सफल घोषित किया गया बाद में। उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई, अदालत की दहलीज पर पहुंचे, उसके बाद फिर 6,000 अभ्यर्थी सफल मान लिए गए, सभी को 5 सितंबर को बकायदा नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया।
और बार बार मानक बदलने पर अब उम्मीदवार भड़के हुए हैं। सवाल यह भी कि आखिर क्या यह हो रहा है, क्या मजाक चल रहा है? इलाहाबाद, लखनऊ समेत कई शहरों में लोगों ने हंगामा किया है, नौजवानों ने, अभ्यर्थियों ने। यह है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।